आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मणिपुर के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं संसद के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने। राघव जी, आम आदमी पार्टी समेत पूरा विपक्ष मणिपुर पर हमलावर है, जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार एक तो दो बातें कहती है। एक तो कहती है जवाब चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, एक चार्ज। दूसरा चार्ज वो ये लगाते हैं कि मणिपुर पर तो आप लोग चर्चा चाहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल और राजस्थान में जो अत्याचार की घटनाएं कथित तौर पर सामने आई हैं महिलाओं के खिलाफ, उस पर आप लोग चर्चा नहीं चाहते, क्या जवाब है? पहले तो आज इंडिया फॉर मणिपुर बैनर के तहत हम सभी यहाँ महात्मा गांधी बापू के या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की प्रतिमा के सामने आए हैं और यहाँ सब लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि मणिपुर को इंसाफ दो, मणिपुर में शांति बहाल करो। और हमारा प्रयास यही है कि मणिपुर के लोगों की चीखें सत्ता के नशे में धुत बैठे भाजपा के केंद्रीय मंत्रिमंडल के कानों तक पहुंच रहे हैं। पिछले 80 दिन से मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साधी है। और मैं ये डिमांड करता हूं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 को प्रयोग में लाया जाए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, डबल इंजन की सरकार मणिपुर की बर्खास्त हो। और डबल इंजन की सरकार का मतलब आज मणिपुर में डबल हैवानियत, डबल शोषण और डबल दरिंदगी बन गया है। मणिपुर की भाजपा सरकार को बर्खास्त करो और मणिपुर में शांति बहाल करो।